नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर एंड मैं एक ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट हूं। ब्रेक थ्रू स्ट्रैटेजिस्ट का मतलब क्या होता है, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप अपनी लाइफ में हैं, जो काम आप 10 साल में नहीं कर पा रहे हैं या 5 साल में नहीं कर पा रहे, मैं आपको एक महीना या एक साल में उसे करने में हेल्प कर सकता हूं। आज बात करना चाहता हूं सेल्स के बारे में। सेल्स दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है। मैं हमेशा एक ऑडियो सुनता हूं जिसका नाम है स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड एंड इसके रचयिता हैं अर्ल नाइटिंगेल। वो कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंसान सोचता ही नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सोचता तो जो सेल्स का प्रोफेशन है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्रोफेशन है, इंसान उससे कभी भी नफरत नहीं करता, इंसान उसे जानने की कोशिश करता, इंसान ज्यादा से ज्यादा सेल्स करने के लिए कोशिश करता। तो दोस्तों, सेल्स वो चीज है जो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी डिजायर्स के हिसाब से पैसा दे सकती है। सेल्स वो चीज है जो कि आप 100 करोड़ कमाना चाहते हो, 200 करोड़ कमाना चाहते हो, 500 करोड़ कमाना चाहते हो, आप सेल्स में कमा सकते हो और किसी प्रोफेशन में वो कमा नहीं सकते। दोस्तों, दुनिया के जितने भी कंपनीज हैं उनमें से 90% कंपनीज के सीईओस सेल्स बैकग्राउंड से हैं। आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी टिप्स आपको सेल्स के ऊपर देने वाला हूं, लेकिन एक किस्सा बताऊंगा पहले जिसने मेरी जिंदगी को बहुत टच किया, जो आज तक मेरे माइंड में फ्रेश है और उसी से मैं आपको बहुत सारी लर्निंग्स दूंगा। तो किस्सा यूं है कि एक दिन मैं अपने ऑफिस से उतर रहा था, शाम को 7:30 बजे का समय था, मैं ऑफिस से नीचे आ रहा था और जूस पी रहा था एक जगह, और जैसे ही मैं जूस पी रहा था अचानक से एक लड़की आई, करीब 17 साल की लड़की, बहुत जोश के साथ, हेलो सर, हाउ आर यू। मैंने कहा हेलो मैम, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूं। नो सर, वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सर। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ऑलराइट, सो टेल मी सर, 3 मिनट 21 सेकंड का समय आपका लूंगी और इस 3 मिनट 21 सेकंड में मैं आपको वो बताऊंगी जो कि आपकी लाइफ बदल सकता है, आपके बिजनेस को बदल सकता है। सर, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूं 3 मिनट और 21 सेकंड के लिए। मैंने कहा हाँ, ऑफ कोर्स, गो अहेड। एंड उस लड़की ने बात करना शुरू किया और उसने मुझसे कहा, उसने पहले तो मुझसे बहुत सारे ताबड़तोड़ सवाल पूछना शुरू कर दिया। सर, आपको देख के लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपको देख के लगता है कि आप बहुत विद्वान बनना चाहते हैं, आपको देख के लगता है कि आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और उनके हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग। और हर सवाल के लास्ट में उसने पूछा एम आई राइट और रॉन्ग, और मुझसे कुछ ना कुछ सवाल पूछती रही और हर सवाल का उत्तर मैंने वो दिया जो वो चाहती थी। तो सेल्स का सबसे पहला नियम दोस्तों, वो पूछना शुरू कीजिए जिसका कि उत्तर आपको वो मिल सके जो आप चाहते हैं। इसको बोलते हैं अग्रीमेंट फ्रेम क्वेश्चन। अगर आपको यस सुनना है तो इस तरह का सवाल पूछिए जिससे कि कस्टमर उत्तर दे सके यस। अगर आपको नो आंसर चाहिए, आपको डे आंसर चाहिए, आपको नाइट आंसर चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली सवालों को फ्रेम कीजिए। तो उस लड़की ने पूछा, सर आपको देख के लगता है आप बहुत बुद्धिमान है, एम आई राइट रॉन्ग, क्या मैं कह सकता हूं कि यू आर रॉन्ग। नो, मैं उसे हमेशा यही कहूंगा कि यस यू आर राइट। उसने मुझसे सवाल पूछा, आप अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करते हैं और आप उनके सपने पूरा करना चाहते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग सर। और मैंने फिर से कहा यस यू आर राइट। तो सेल्स में सबसे पहली चीज दोस्तों, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। अपने कस्टमर को 25 बार यस बुलवाइए या 25, 30, 50 बार अपने आप से अग्री करवाइए। उस लड़की ने मुझे कहा, सर मुझे ये बताइए सर, बुक्स ज्यादा बढ़िया या टीवी ज्यादा बढ़िया। मैंने कहा बुक्स, ऑलराइट, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान कहेगा बुक्स ज्यादा बढ़िया, कोई नहीं बोलेगा टीवी ज्यादा बढ़िया। और उसने एक डायलॉग मार दिया, सर रिच वो होते हैं जिनके घर में बड़ी लाइब्रेरी होती है, पुअर वो होते हैं जिनके घर में बड़ा टेलीविजन होता है। एंड उसके बाद वो और डायलॉग मारती गई और उसने कहा, सर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो, आप एक रिच माइंड सेट के पर्सन हो, सर इसीलिए खरीद लीजिए मुझसे 2000 रुपए का बुक सेट। ओह माय गॉड, शाम को 7:30 बजे एक लड़की ने मुझे बुक सेट बेच दिया दोस्तों, बुक सेट मेरे को बेच दिया उसने। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ उससे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा एक बात बता, तूने कितनी बजे सुबह अपना सेल्स का काम शुरू किया। बोली, सर मैं सुबह 7 बजे घर से निकलती हूं, मेरे ऑफिस में हमें पहुंचना होता है 8:30 बजे और उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक हमारा एनर्जी बिल्डिंग होता है और आफ्टर दैट हम ब्रेकफास्ट करते हैं और 10 बजे हम पहला कॉल करते हैं। ओके, मैंने कहा 10 बजे पहला कॉल करने के बाद आज कितने प्रेजेंटेशन दिए। बोले, आज अभी मैं 112 प्रेजेंटेशन दे चुकी हूं। मैंने कहा कितनी बुक्स बिकी। बोली, सर सिर्फ 5 बुक्स बिकी। मैंने कहा 5 बुक यानी 107 रिजेक्शंस। मैंने कहा इतने रिजेक्शंस के बाद भी इतनी ऊर्जा कैसे है तेरे अंदर। बोली, सर मुझे कूट कूट के सिखाया गया है कि
आपके लिए मैं पहली सेल्समैन हूं मेरी कंपनी की, मेरे लिए आप भले 112वें कस्टमर है, और जब आपके लिए मैं मेरी कंपनी की पहली सेल्समैन हूं तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन सर, एंड ये आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन माय डियर फ्रेंड्स। जब आप सेल्स करने जाएं, सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, दोपहर में जा रहे हैं, रात को जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, सुबह 4 बजे जा रहे हैं, किसी से एयरपोर्ट पे मिल रहे हैं, तो भी आपको फर्स्ट इंप्रेशन राइट देना है। दोस्तों मैं एयरपोर्ट पे भी जाता हूं, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी ट्रैवल करता हूं, तो मैं हमेशा जनरली ब्लेजर अपने साथ रखता हूं या पहने हुए रखता हूं। उसके पीछे एक ही रीजन है, मुझे क्या पता कौन मेरी सीट पे पास में बैठा हो और मुझे करोड़ों का ऑर्डर दे दे। दोस्तों मैंने उससे पूछा 112 कॉल तूने किए और उसमें से सिर्फ 5 में तुझे सफलता मिली, यानी 107 बार तुझे सुनने को मिला नो 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 नो। इतनी बार नो सुनने के बाद भी तेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल कैसे है? बोली सर एक ही रीजन है उसका कि मुझे नो सुनाई देता ही नहीं है, मेरे लिए नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है सर। रिमेंबर दिस, सेल्स में नो आपको मिलेगा ही, सेल्स में आपको रिजेक्शंस मिलेंगे। दोस्तों कोई सेल्समैन दुनिया का ऐसा नहीं है जिसने 100 लोगों को टच किया और 100 के 100 लोगों को बेच दिया हो, बहुत कम होंगे, रेयरली होंगे, कभी हुआ भी होगा तो एक आधा बार हुआ होगा। लेकिन जितने भी सेल्समैन हैं वो अगर 1000 को टच करते हैं तो उनमें से कभी 50 खरीदते हैं, कभी 25 खरीदते हैं, कभी 100 खरीदते हैं, कभी 150 खरीदते हैं, कभी 200 खरीदते हैं। दोस्तों रिजेक्शंस तो आने ही वाले हैं, रिजेक्ट 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 एंड आई विल लव देम, ये सेल्स का गोल्डन रूल है। रिजेक्शन से प्यार करना सीखो, रिजेक्शन के बाद फ्रस्ट्रेशन आएगी, उस फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करना सीखो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा फ्रस्ट्रेट नहीं होती? बोली सर बहुत भयंकर फ्रस्ट्रेशन होती है, ऑलमोस्ट हर नाइट सोचती हूं कि छोड़ दूं इस जॉब को, लेकिन जब सुबह उठती हूं तो हमारे ऑफिस में हम अपने आप को ऊर्जा से भर लेते हैं सर, हम लोग डांस करते हैं, शाउट करते हैं, स्क्रीम करते हैं, मैं बताती हूँ आई एम द बेस्ट, और हमारे सीनियर्स आके हमें बताते हैं यू आर द बेस्ट, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेस स्टोरीज के बारे में सोचते हैं। तो सेल्स का नेक्स्ट नियम दोस्तों, हर रोज सुबह आपको अपने आप को पंप करना पड़ेगा। रोज सुबह अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ो, रोज सुबह अच्छे से अच्छे वीडियोस देखो, रोज सुबह किसी ट्रेनिंग में जाओ, रोज सुबह मेडिटेशन करो, अपने आप को अप करो, उसके बाद रात को 11 बजे तक बन जाओ रॉकेट सिंह। मूवी देखिए रॉकेट सिंह, नहीं देखी तो जरूर देखिएगा दोस्तों, बन जाओ रॉकेट सिंह। एंड रॉकेट सिंह एक बार बन गए तो उसके बाद पीछे मुड़ के कभी देखना नहीं पड़ेगा दोस्तों। Alright? So, सेल्स का नियम है, रोज रिजेक्शन मिलेंगे, फ्रस्ट्रेशन मिलेंगे, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए दिन का पहला 90 मिनट, दिन का पहला 90 मिनट आपको अपने ऊपर लगाना है, और वो इसलिए लगाना है ताकि आप चार्ज्ड अप हो सको, पॉजिटिव हो सको एंड बहुत ही बेहतर बन सको। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस दोस्तों, रिजेक्शन तो आने ही वाला है, जैसे चाय बनाने की प्रोसेस का पार्ट है चाय की पत्ती डालना, और पत्ती डालते उसका कलर आएगा, वैसे रिजेक्शन आएगा, और जितने ज्यादा रिजेक्शन उतना ज्यादा कलर, जितना ज्यादा रिजेक्शन उतना ज्यादा कलर। मैंने उसे बोला कि मेरे लिए आपकी कंपनी की आप पहली सेल्समैन है, और लेकिन आपके लिए मैं 112वां कस्टमर हूं, और क्या आपके माइंड में 1% ऐसा डाउट नहीं आ रहा कि मैंने मना कर दिया तो, क्योंकि 7:30 बजा है? बोली सर सेल्स का एक और रूल है सर, अपने प्रोडक्ट पे 2000% कॉन्फिडेंस होना सर। सर डाउट उसको होता है जिसको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, और मेरे 2 प्रोडक्ट हैं सर, आपको मैंने बुक्स दी, आपने मेरा पहला प्रोडक्ट देखा, और मुझे अपनी बुक्स पे 1000 गुना कॉन्फिडेंस है सर, लेकिन मेरी बुक्स से भी इंपॉर्टेंट मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, और वो है मैं खुद सर। पहले आप मुझे खरीदेंगे, मुझसे कन्विंस होंगे, और जब आप मुझसे कन्विंस हो जाएंगे तभी आप मेरी बुक्स खरीदेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग सर? यस। देखिए यस बुलवाते रहिए अपने कस्टमर से बीच बीच में, इस लड़की ने मुझसे कम से कम 1000 यस बुलवा लिए 3.5 मिनट, 3 मिनट 21 सेकंड का बोल के 1000 यस उसने मुझसे बुलवा लिए, और लास्ट में जब वो कहती है सर लाइए 2000 रुपए बुक सेट का, मैं क्या बोलूंगा? यस। दोस्तों इस लड़की ने अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस डाला, अपने प्रोडक्ट पे इनक्रेडिबल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस कि कोई भी आ जाए, आपका कॉम्पिटिटर आ जाए और आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट 1000 गुना आपसे बढ़िया है, फिर भी आपके बॉडी लैंग्वेज में बात करने में आग होनी चाहिए, और आप हमेशा बोलने चाहिए दिस इज माई प्रोडक्ट, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू क्रिएट,
ओके दोस्तों, अपना प्रोडक्ट सबसे बेहतर, पहले तो आप सबसे बेहतर। जब आप सेल्स करने जाएं तो आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि सामने वाला चाहे नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, बराक ओबामा क्यों ना हो, या फिर दुनिया का बड़े से बड़ा तोप क्यों ना हो, डोनाल्ड ट्रंप क्यों ना हो, टेस्ला क्यों ना हो, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए यू आर बिगर देन देम, यू आर बिगर देन देम। अगर आपके पास इस तरह का कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट को लेके, तो दोस्तों कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैंने इस लड़की से पूछा, मैंने कहा आई रियली लव्ड योर प्रेजेंटेशन, इतनी एनर्जी कैसे? मैंने कहा तेरे प्रेजेंटेशन में एक भी कमी नहीं है, इतना अच्छा प्रैक्टिस तूने कैसे किया? यू नो व्हाट ए 17 ईयर ओल्ड गर्ल सेज, सर हर रोज सुबह 1000 कस्टमर से मिलने का, ना सुनने का, ना सुनने का, ना सुनने का, और हर बार ये सोचने का कि अपना प्रेजेंटेशन पहले से बेहतर कैसे करें, अपना प्रेजेंटेशन पहले से बेहतर कैसे करें। एंड उसने एक बहुत पते की बात कही जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, और वो ये है, उसने कहा सर मैं फील्ड पे बेचने के लिए जाती ही नहीं हूं सर, मैं तो कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए जाती हूं, मैं फील्ड पे जाती ही नहीं हूं सर कि मुझे पैसा मिले ये सोच के मैं जाती ही नहीं हूं, मैं तो फील्ड पे जाती हूं कि मैं कैसे अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करूं, मैं कैसे कस्टमर को कोई नया आइडिया दूं, मैं कैसे कस्टमर को कॉन्फिडेंस दूं सर, और मैं कैसे कस्टमर के अंदर वैल्यू ऐड करूं सर, मुझे वैल्यू ऐड करने के लिए आई हूं सर, मैं जानती हूं कि इस प्रेजेंटेशन के बाद जिंदगी भर आप मुझे भूलेंगे नहीं, एंड ये वैल्यू मैंने ऐड करना सीखा है सर, और जब मैं ये वैल्यू ऐड करती हूं तो मेरा कस्टमर भी मुझसे जुड़ जाता है, रिलेशन एक बन जाता है। सर बेचने के लिए कभी मार्केट में जाना नहीं है, इसको तो इंजॉय करना है, क्योंकि मैं जाती हूं ओ वाओ आज मुझे 112 लोगों से मिलने का मौका मिला, 112 रिलेशनशिप्स मेरे बने और 112 लोग मुझे आज की डेट में जानते हैं सर, एंड आई नो इट फॉर श्योर कि 112 में से 25 से 50 तो मुझे कभी जिंदगी भर में भूलेंगे नहीं सर, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। तो सेल्स कभी भी करने नहीं जाना है पैसा लाने के लिए, सेल्स करने जाना है दोस्तों रिलेशन बनाने के लिए, कस्टमर को वैल्यू ऐड करने के लिए, क्योंकि कस्टमर कंफ्यूज्ड है, कस्टमर डायरेक्शन लेस है, कस्टमर ओवर कॉन्फिडेंट है, कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है उसे पता ही नहीं है। So, दोस्तों ये कुछ लेसन्स हैं जो कि मैंने उस दिन उस लड़की से सीखे, हालांकि मैं ऑलरेडी सेल्स करता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी उस लड़की का जो रियल कॉन्फिडेंस देखा उस दिन समझ में आया कि एक रियल सेल्समैन होता क्या है। एंड द लास्ट थिंग दोस्तों, पता है मैंने क्या किया, मैंने उस लड़की को बोला, मैंने कहा यार तू इतना हार्डवर्क क्यों करती है, तू सब छोड़ और मेरे ऑफिस को ज्वाइन कर ले। एंड पता है उसका जवाब क्या था, सर आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैंने कहा व्हाट, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे? 17.5 साल की लड़की मुझे बोल रही है आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए? 50,000। हंसने लगी, बोली सर 15.5 साल की थी, मजबूरी में सेल्स मैंने शुरू किया, मेरे पापा बेड रिडन हो गए थे किसी बीमारी के कारण, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा एक छोटा भाई है जो कि 11 साल का है, काम कर नहीं सकता, पढ़ाई कर रहा है, तो मुझे ही काम करना पड़ा सर। मजबूरी में मैंने सेल्स का काम शुरू किया और मुझे एक भी दिन ये अच्छा नहीं लगा, पहले 10 दिन 20 दिन तो मैं रोज रोती थी सर, लेकिन सर पिछले 2 साल में मैं रोज इसको करती रही। आज मैंने सर एक 60 लाख का घर खरीद लिया है, एक 12 लाख की गाड़ी खरीद ली है, और मम्मी पापा को अगले साल स्विट्जरलैंड घुमाने ले जा रही हूं। मैंने कहा वाओ हाउ वंडरफुल, ये ही मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एक 17.5 साल की लड़की सेल्स में पावरफुल होने के बाद क्या कर सकती है। दोस्तों सेल्स कीजिए, सेल्स को देखिए, सेल्स सीखिए, जो करना पड़े कीजिए। 1 साल बहुत डिफिकल्ट जाएगा, हो सकता है 3 साल बहुत डिफिकल्ट जाए, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी में कभी पैसों की दिक्कत नहीं होगी, कभी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 50,00,000 रुपए की चीज खरीदूं या ना खरीदूं। ये मेरे जीवन में भी मैंने एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, आज मर्सिडीज बेंज ई क्लास में मैं घूमता हूं, जबकि एक समय मेरी 1,250 रुपए की तनख्वाह हुआ करती थी। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, ये कैमरे के सामने बोलना और ये सब तो बहुत मेरे लिए दूर की बात थी, लेकिन आज मैं पूरी दुनिया से बात करता हूं, बड़े बड़े लोगों से मिलता हूं, उनको ट्रेनिंग्स देता हूं, और एक एक ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छा पैसा चार्ज करता हूं, उतना जितना कई लोगों का साल भर का सैलरी होता है कई बार मुझे एक दिन में मिलता है। दोस्तों मेरा 2040 से पहले का विजन है कि मुझे 10 करोड़ लोगों को इंस्पायर करना है,
जो जो मैंने सीखा है वो सब आप सबको देना है इन वीडियोस के थ्रू, मेरे लाइव वर्कशॉप्स के थ्रू, मेरी बुक्स के थ्रू, मेरे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स के थ्रू. विश यू ऑल द बेस्ट. जुड़ते रहेंगे ऐसे ही इस चैनल के माध्यम से. थैंक यू सो मच.